वेल हेलो बिंजर्स, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के न्यू शो की, बिगड़े हुए लड़के अरबपति, मींस बैड बॉयज बिलियनेयर। नो वन एल्स हु अपीयर्ड टू बी लिविंग द ड्रीम द वे विजय मल्ल्या वाज। आई थिंक वी हैव अ विनर ऑन आवर हैंड्स। Subrata Roy's genius was he understood the value of scale. Sahara actually means savior. Jeweler extraordinaire Nirav Modi. We wanted to create India's first luxury brand. It's like riding a tiger and not knowing how to get off without the improvement. आप कोई भी जनरेशन के हो या ना हो, इन तीनों का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, विजय बियर माल्या, नीरव गोल्ड मोदी और सुब्रता सहारा रॉय, जिसने बहुत लोगों को बेसहारा बना दिया। ये तीनों इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इनमें से दो लोग तड़ीपार हो गए इंडिया से और एक को जेल में रहना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। विजय माल्या 9,000 करोड़ स्कैम, नीरव मोदी 11,000 करोड़ स्कैम और सुब्रत राय वो लिटरली लक्ष्मी चिटफंड बनाते थे। 21 दिन में तो पैसे डबल नहीं करते थे, उनका था 3 साल में पैसे डबल। आपने भी कभी किसी चीट फंड में इन्वेस्ट किया रहेगा जो रिटर्न में बाद में चीट फंड बन गया। बेस्ट पार्ट इस शो का है कि इसमें कोई एक साइड नहीं बताया कि ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं या ये लोग बहुत ही बुरे इंसान हैं, इनको किसी ने फंसाया या इनकी कोई गलती नहीं थी। प्रॉपर स्टोरी बताई है कि इन लोगों ने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कैसे एक्सपांड किया, इनसे क्या गलती हुई, क्या इन लोगों ने सही किया और इनके साथ क्या हुआ एंड में। परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसमें रिचेस्ट टू रैग स्टोरी बताई है इन बिलियनर्स की। लेकिन ये सीरीज देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको अगर लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको कुछ नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल सच सोच रहे हैं, क्योंकि ये तीनों तो फ्री ही घूम रहे हैं, अपने आलिशान घरों में सो रहे हैं और कुछ लोग इनकी वजह से अभी भी रो रहे हैं। और जो अपने जैसे कॉमन लोग हैं जो इनकी वजह से भुगत रहे हैं, उनका क्या? जैसे एक किंग फिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉई ने सुसाइड कर ली थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली थी। पीएनबी के इस गरीब क्लर्क को पुलिस ने जेल में रखा था कई महीनों तक नीरव मोदी के केस में। और इन फार्मर्स और हाउसवाइफ का क्या, जिन्होंने 3 साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सहारा में देते रहे लेकिन उनको कभी पैसा डबल नहीं मिला। वैसे हम सबको मालूम है कि इनके साथ क्या होगा लेकिन बोलता कोई नहीं। और ये जो 3 बिलियनर्स हैं उनके साथ क्या होगा वो भी हमको पता है, सब इनके ड्राइवर की गलती होगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे पॉप कल्चर रिकमेंडेशन के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द बिंज पॉइंट।